आम आदमी पार्टी के साथ बीजेपी का विवाद नोटों पर भगवान की तस्वीर वाले मामले में लगातार गहरा रहा है। अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद अब अलग अलग दल भगवानों में अपनी आस्था जता रहे हैं। कोई कह रहा है कि नोट पर अंबेडकर की तस्वीर होनी चाहिए, तो कोई कह रहा है कि नोट पर वीर शिवाजी की तस्वीर होनी चाहिए। भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। अरविंद केजरीवाल ने नोट पर जो सियासी चोट की है, उसकी गूंज अब देश के अलग अलग हिस्सों में देखी जा रही है। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये तस्वीरें पोस्ट की है। इस नोट में छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर दिख रही है। इस नोट को ट्वीट करते हुए नीतीश राणे ने लिखा है, ये परफेक्ट है। मतलब ये कि बीजेपी की ओर से नीतीश राणे कह रहे हैं कि नोटों पर लक्ष्मी गणेश हो या ना हो, मगर शिवाजी होने चाहिए। एक ऐसे महापुरुष के बारे में है। जब से अरविंद केजरीवाल ने नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने की बात कही है, तब से ही बीजेपी के खेमे में खलबली है। लेकिन इस खलबली में कांग्रेस भी कूदी हुई है। सुबह सुबह ही कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट किया, गांधी के साथ अंबेडकर की तस्वीर क्यों नहीं, एक तरफ गांधी दूसरी तरफ अंबेडकर। ये तो एक सुझाव है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जो की जो तस्वीर है या उनका चित्र है, वो भारत की नगदी के ऊपर, करेंसी के ऊपर होना चाहिए। अकेले मनीष तिवारी ही नहीं, कांग्रेस के ही उदित राज कह रहे हैं कि तस्वीर में इकट्ठा कई लोगों की तस्वीरें होनी चाहिए। उदित राज कितनी तस्वीरें बता रहे हैं, सुनिए। क्यों नहीं राम का, क्यों नहीं शिव का, डॉक्टर अम्बेडकर का, माँ दुर्गा का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, इन लोगों का फोटो क्यों नहीं। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि केजरीवाल के बयान के बाद अलग अलग दलों के नेताओं ने अपनी इच्छा जाहिर की। केजरीवाल को नोट पर लक्ष्मी गणेश पसंद है। मनीष तिवारी गांधी के साथ अंबेडकर की तस्वीर चाहते हैं। नीतीश राणे की हार्दिक इच्छा है कि नोट पर शिवाजी की तस्वीर लग जाए। सलमान सोस कह रहे हैं कि लक्ष्मी गणेश सही तो अल्लाह, जीसस, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक क्यों नहीं। अधीर रंजन तो देवी देवताओं की जगह केजरीवाल की तस्वीर लगाने को ही कह रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल नोटों वाली लड़ाई को अगले अध्याय तक ले जाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो गुजरात में लक्ष्मी गणेश वाले पोस्टर लगाएंगे और लोगों को बताएंगे कि बीजेपी लक्ष्मी गणेश का विरोध कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी की नफरत की वजह से इस प्रस्ताव का विरोध ना करें। अगर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो हमारे करेंसी नोट्स पर आती है तो उससे देश के 130 करोड़ लोगों को समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा, इससे पूरी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ोतरी का आशीर्वाद मिलेगा। तो मेरा भारतीय जनता पार्टी से यही आग्रह है कि वो लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो नोटों पर छपने दें। आम आदमी पार्टी तो यहाँ तक कह रही है कि नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगने से करप्शन पर लगाम लगेगी। अगर नोटों के अंदर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की फोटो लगती है तो अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है। और भारतीय जनता पार्टी अगर इसका विरोध कर रही है तो ये गलत है, क्योंकि अगर नोटों के ऊपर अगर गणेश जी की और लक्ष्मी जी की फोटो लगेगी तो लोग नोट संभाल के भी रखेंगे, करप्शन भी कम होगा इस चीज़ से। तो ये दोनों चीज़ें हैं और इसमें बीजेपी को बिल्कुल भी विरोध नहीं करना चाहिए। सबके अपने अपने आराध्य हैं और सब अपने अपने तरीकों से जनता जनार्दन की आराधना करने में लगे हैं, लेकिन फिलहाल तो आम आदमी पार्टी की वोट भक्ति में काफी शक्ति दिख रही है, इसीलिए भक्तों की अन्य मंडलियों में तनाव दिख रहा है। केजरीवाल ने लक्ष्मी गणेश को सामने लाकर जो सियासी क्लेश पैदा किया है, उसमें अभी बहुत कुछ देखना सुनना शेष है, बात अभी दूर तक जाएगी। दिल्ली में पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।